ये तो प्रेम पत्र है, हमारा पहला प्रेम पत्र। देखो अब बेकार की बातें छोड़, ये तो हमको लेटर नहीं, जिसकी पतंग सबसे अंत तक टिकी रहेगी और कटेगी नहीं, उस इंसान को हम अपनी तरफ से इनाम के तौर पे उसकी एक इच्छा पूरी कर दें। अरे वाह 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 वाह, तो पतंग चढ़ेगी कट से और हम लूटेंगे झट से। अरे मुखिया जी की, अरे मुखिया जी की, अरे मुखिया जी की। सोनू मोनू। हाँ भैया। अबे टोम्पा, पैसे कमाने का सबसे अच्छा मौका है भाई ये। जितनी ज्यादा से ज्यादा पतंगे कटेंगी उतनी ज्यादा से ज्यादा पतंगे बिकेंगी। हाँ भैया, इसलिए ही हम कमाल की पतंग और कमजोर धागे बेच रहे हैं, क्यों भाई मोनू? हाँ भाई सोनू, वहाँ लोगों की पतंग कटती रहे और यहाँ हमारी पतंग बिकती रहे। अबे देखो बे, हमारी पतंगे हमारी तरफ उड़ती हुई आ रही आ रही आ रही। दीदी, अगर हम में से कोई भी ये पतंगबाजी की प्रतियोगिता जीत जाएगा ना, तो हम डैडी से इनाम में सिर्फ एक ही चीज मांगेंगे कि हमें इस गांव से हमारे शहर बनारस वापस ले चलिए, मेरे वरुण धवन के पास। अरे अरे ध्यान से ध्यान से। अरे पर हम लोगों को पतंग उड़ाना आता ही कहाँ है? तो हम है ना आपको पतंग उड़ाना सिखाने के लिए। दिखाने के लिए? क्या दिखाने के लिए? ओ, थोड़ा सा ना प्रॉब्लम है। दिखाने की बात नहीं हो रही है, सिखाने की बात हो रही है। सॉरी। सच बताओ, तुम लोगों को पतंग उड़ाना आता है? अरे हाँ, तो हमें सिखाओ ना। अभी सिखा देते हैं। ठीक ठीक। अरे तो शुभ काम में टोपा नहीं होना चाहिए, हमारा मतलब देर नहीं होनी चाहिए। ओके। आँखों की गुस्ताखियाँ माफ हो, तुमसे ये वो कहती है। आँखों की शर्मो हया माफ हो, अरे अरे मारे को भी कोई सिखाएगा कि नहीं? मारे को सिर्फ यहाँ पर कटी पतंग को इकट्ठा करने के लिए रखा है के? तुम्हें सिखाने के लिए हम है ना। अरे एक पतंग हमको भी देना, गुलाबी रंग की, और हाँ झालर जरूर होना चाहिए। पतंग दे सोनू। पता है काजल, ये जो पतंग है ना, रोमांस की तरह जितनी ज्यादा ठील दो पतंग उतनी ऊपर जाए, लेकिन अगर ज्यादा खींचा ताने की तो पतंग कट भी सकती है। खैर सबसे पहले हम तुम्हें ये सिखाएंगे कि लड़ाई में झालर बांधते कैसे। आओ ना। अरे ओ लल्लू, मैं यहाँ पर लठाई में झालर बांधना सीखने नहीं आया सर। अरे बंद करो यो टाइम पास, नहीं करना यो सब। अरे मारे पास एक ऐसा खतरनाक पतंगबाज है कि अब वही सिखाएंगे कि पतंग आखिर उड़ाते कैसे। क्यों समझे? गोरी तू भी मजे ले ले नहाने के। अरे गोरी नहावत है, बहुत बढ़िया, निलाओ निलाओ। हाँ सब पास। तो बहुत पसंद है ना। उई, 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 उई। ए, उल...
जी बहुरिया, तू का हमरी गोरी को अपने जैसा मोटी चमड़ी का समझत है जो ठंडे पानी से नलावत है? अरे हमरी सुलझी बहुरिया होती ना तो पानी गर्म करके नलाती, हाँ फुर्सत निकाल के। और तू गोरी, तू काहे चुपचाप जुलूम सह रही है? हाँ बस आवाज लगा दे, अगर भूख लगे तो एक लंबी सी कर देना, और अगर ठंड लगे तो तीन चार छोटे छोटे कर देना, हम समझ जाएंगे और तुरंत दौड़कर आ जाएंगे तोहरे पास फुर्सत निकाल के। आई हो दादा, अम्मा जी अगर अपनी भैंसिया से इतना लगाव है ना तो खुद ही नहला दीजिए, हम चले। हाँ जाओ जाओ, हम नहला। अरे कहाँ है, हम यहाँ है। मम्मी कल ना गांव में पतंगबाजी की प्रतियोगिता होगी और आपको उसमें भाग जरूर लेना होगा। हाँ आयो दादा, अब हमसे नहीं होगा, अरे जमाना बीत गया हमको पतंगबाजी किए हुए। तो क्या हुआ मम्मी, हमने सुना है कि आप बहुत अच्छी पतंगबाजी करते हो। हाँ मम्मा, और बंदर कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए गुलाटिया मारनी छोड़ता। अरे स्वीटी बिटिया, बंदर नहीं बंदरिया, बोल बंदरिया। आयो दादा, अरे नहीं अब हमसे नहीं हो पाएगा, हम तो ना सबके लिए उड़द की दाल की खिचड़ी और तिल के लड्डू बनाएंगे। हाँ पर मम्मी आप तो चैंपियंस हैं, चैंपियंस। हाँ मम्मी, और आप क्या सिर्फ ये तिल के लड्डू और उड़द की दाल की खिचड़ी बनाने के लिए बनी है? क्या औरत का काम सिर्फ घर का काम करना होता है? नहीं ना, इसलिए आप भी इस पतंगबाजी कंपटीशन में पार्ट लेंगे। आई हो दादा, अगर तुम सबका मन है ना तो हम पतंगबाजी के मुकाबले में जरूर भाग लेंगे। हाँ और सबको बता देंगे कि हम भी किसी से कम नहीं है। हाँ अरे बिना क्या हुआ, यही तो खड़े हैं। अरे हमको बहुत भूख लगी, जरा फटाफट खाना लगा दो ना। एक मिनट, क्यों पापा आपने क्या मम्मी को घर का काम और खाना बनाने वाली मशीन समझ रखा है? कल मम्मी पतंगबाजी कंपटीशन में पार्ट ले रही है। हाँ तो करे, हमने कब रोका है? तुम जानती नहीं अपनी अम्मा को, अपने जमाने की एक नंबर की चालबाज। अरे मतलब पतंगबाज थी। अरे जब अपनी पतंग को खींचती थी ना तो ऐसा जाप 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 कम से कम 12-15 पतंगे एक साथ उनका गला काट डालती थी। बिना तुम पतंग बिल्कुल उड़ाओ, लेकिन उसके पहले हमको खाला तो खिलाओ। हमारा जीतना पक्का। यस यस यस, वो प्रेम पत्र अब आपको नहीं मिलने वाला। का है? क्योंकि वो प्रेम पत्र अब इस पतंग से चिपक चुका है। अरे क्या कर दी तुम? अब देखना, जब ये पतंग उड़ेगी ना तो हमारी प्रेम कहानी आसमान छुएगी। और जब ये पतंग कटेगी तो हमारी इज्जत पक्का धूल चाटेगी। हाँ वैसा भी हो सकता है। हाँ, पर ऐसा भी हो सकता है ना कि हमारी पतंग कटे ही ना और ये मुकाबला जीतकर हम इनाम में आपसे आपको ही मांग ले। इसमें हमको कितना आनंद मिलेगा आप सोच भी नहीं सकते। अरे तुमको तो आनंद मिलेगा, हमको कितनी सजा मिलेगी। लाओ दो पतंग दो। अरे पतंग दो, अरे पतंग दो। अरे अरे कहाँ ले जा। भगवान अब क्या बोले इसको, बिना तो पक्का पतंग उड़ाएगी, और अगर वो पतंग उड़ाएगी तो इसकी पतंग तो जरूर काटेगी, और अगर इसकी पतंग कटी तो हमारी टिकट तो जरूर कटेगी। हे भगवान, अरे ये कहाँ फंसा दिया हमको। वाह भाई वाह वरुण। अरे बेटा, अरे कितनी अच्छी अच्छी पतंग खरीद के लाए हो तुम। अरे तुम्हारी मामी जो है ना बड़ी तारीफ कर रही है। मामा जब भी चमेली मामी कुछ बोलती है ना, पता नहीं क्यों हमको बहुत डर लगता है। क्यों भाई सोनू? हाँ भाई मोनू। ए भाई इसमें डरने वाली कौन सी बात है, देखो हम तुम्हारी दुकान में पतंग खरीदने आए हैं ना। क्या? अच्छा अच्छा भाई ठीक है। तुम्हारी मामी कह रही है जब मुखियाइन और झबरी पतंग उड़ा सकती है
तो हम क्यों नहीं उड़ा सकते? अच्छा चमेली, आप बताओ कौन सी पतंग पसंद है तुमको? ये सफेद और काली वाली, यही ना? यही वाली ना? अरे अरे तुम्हारी चमेली मामी को ये पतंग और ये चरखी बहुत पसंद है। 300 रुपए मामा। हाँ चमेली, इनको दे देना। अब देखो हम घर जाके देखते हैं तुम्हारा बेटा खलिया खाना बना रहा है या सिंगार पटार में लगा हुआ। दे देना। अरे अरे भैया ये पैसे भी भूल जाइए, मामा फिर से हम लोगों को उल्लू बना गए। पर इस बार एक काम की बात बता गए कि हमारी होने वाली सासू माँ भी पतंग उड़ाएंगी। बेटा वरुण, यही सही मौका है, अगर हम उन्हें इम्प्रेस कर देंगे तो स्वीटी के साथ हमारा रिश्ता पक्का ही समझो। अब इसका तुम अच्छे से ध्यान रखना, हम अभी आते हैं, हैं? आयो दत्ता, ये किसकी पतंग है? आयो दत्ता, इस पतंग पे तो कुछ लिखा हुआ है, लगता है किसी पढ़े लिखे की पतंग है। अरे इसे काटने में बहुत मजा आएगा, हम इसे कल जरूर काटेंगे। हाँ चाची जी, चाची जी, क्या हुआ? ये देखिए हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, सबकी पतंग काटने के लिए खास टोपा पतंग, लटाई और मांझा। अरे इसकी क्या जरूरत थी? अरे इसकी तो जरूरत थी। आयो दादा अब देखेगा, कल ना पूरे गांव के पतंग काट के रहेंगे हम। बिना तुम तो लाखों पतंगे काट चुकी हो, अरे क्या रखा है इन पतंगों में? क्यों ना इस साल तुम खिचड़ी और तिल के लड्डू बनाओ पूजा के लिए। अरे अब तो तीर कमान से निकल चुका है, बिना कल पूरे गांव के पतंग काट के रहेगी, देख लीजिएगा। लाओ बेटा। हाँ बनाओ बनाओ, काटो काटो, जो करना है करो, हमको मना कर रहे हैं। उड़ा। ओ मिस्टर टोपा, यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो घर को, हैं? खरीदने आए हो क्या? हैं? चलो हो गया ना, हाँ जाओ। सोच लीजिए आनंद बाबू। क्या? कल अगर बीना दीदी ने हमारी पतंग काट दी तो आपकी तो नाक कट जाएगी, फिर हमें दोष मत दीजिएगा आप, हैं? अरे अरे ये बीना तो पक्का जबरी की पतंग काटेगी ही काटेगी, और अगर ऐसा हुआ तो हमारा तो पोल खुल जाएगा, और अगर हमारा पोल खुल गया तो फिर हमें अपनी इज्जत बचाने के लिए गांव छोड़कर जाना ही पड़ेगा। ऐसा कौन सा राज है जबरी की पतंग में जिसके कट जाने से मुखिया की पोल खुल जाएगी खुल खुला के, और उन्हें गांव छोड़ना पड़ेगा कुल बुला के? अब तो मुखिया को गांव से निकालने के लिए कल झबरी की पतंग कटवानी ही पड़ेगी, चाहे किसी को बुला के। कल अगर बीना ने झबरी की पतंग काट दी तो समझ लो कि हमारी इज्जत की डोर ही कट गई। क्या करें? हाँ अरे ये आइडिया तो बहुत अच्छा रहेगा, हम बीना को ऐसा मांझा दिलाकर देंगे कि वो किसी की पतंग काट नहीं पाएगी, और जैसे ही अपनी पतंग उड़ाएगी तो सबसे पहले उसी की पतंग काट जाएगी। हाँ ये ठीक रहेगा, लेकिन कहाँ मिलेगा ऐसा चालू मांझा हैं? ये क्या है? अरे मुखिया जी, आप आपका स्वागत है हमारी दुकान में। मुखिया जी बताइए ना क्या चाहिए? तुम्हारे दुकान में जितना मांझा है स्ट्रॉन्ग वाला, उस सबको एक तरफ कर दोगे जरा? ये लीजिए मुखिया जी, टॉप क्वालिटी का एकदम टोपा मांझा।
एक्साइट कर दिया हम। इसमें से आप कोई भी मांजा ले लीजिए, 100% गारंटी है आपकी पतंग इस मांजे से कट नहीं पाएगी। और वो वाले मांजे का क्या है? अरे ये हाँ। ये 10-15 रुपए वाले सस्ते मांजे हैं, एकदम कमजोर। हाँ ऐसा ही तो मांजा चाहिए था। ठीक है, ये वाला एक दे दो। हाँ ये वाला क्यों मुखिया जी? अरे दुनिया को ये राज मालूम नहीं है कि पतंग उड़ाने के लिए हाथों में ताकत होनी चाहिए, मांझे में नहीं, समझे? चलो। इतनी गलत सोच है ना मुखिया जी की। क्यों भाई सोनू? हाँ भाई मोनू, तू मारा क्यों? जो सुंदर लड़कियों का बाप होता है ना, वो कभी भी गलत नहीं सोचता, हमेशा सही सोचता है। हाँ, अबे अपनी सोच खत्म करो चिरकुटो। मतलब भतीजों। अब ऐसा है, देखो कल जो है झबरी की पतंग कटनी चाहिए कटकटा के, इसके लिए कोई धुरंधर पतंगबाज बुलाओ फटफटा के। मतलब सिर्फ झबरी की क्यों, पूरे गांव की पतंग कटनी चाहिए। क्या सोच रहे हो? बना ले तो चाचा। बना? नहीं नहीं, अरे आइडिया आ गया हमारे दिमाग में, एक आदमी है ऐसा, हाँ मेड इन चाइना है। अरे वो अपना जैकी जैन है ना, उसका पुपेरा भाई है, उसका नाम है फंकी चैन। फंकी चैन भैया, वही फंकी चैन ना जो सिर्फ धागे से ही नहीं बल्कि अपनी नजरों से किसी भी पतंग की डोर काट देता है। हाँ हाँ, सही सही सुर पकड़े, हाँ एकदम सही। अरे चाचा हम बता रहे हैं, वो है फंकी चैन, पूरे गांव की जो पतंगे है ना ऐसा चुटकी बजा कर काट देगा, बता रहे हैं। हाँ लेकिन लेकिन 50,000 से कम में वो आने वाला नहीं है। ये 50,000 तो बहुत ज्यादा है, हमारे पास तो उसके सिर्फ 32,000 रुपए है। भैया चाचा का निजी मामला है, थोड़ा कम करवा दीजिए ना। अब देखो आप लोग इतनी जिद कर रहे हैं तो कुछ सोचना पड़ेगा, मतलब बहुत खींचतान करके। बहुत मतलब कितना? मतलब बहुत खींचतान करके हम ले आएंगे हम आपके लिए, लेकिन 30,000 रुपया तो कम से कम पकड़ ही लो, उससे कम में नहीं आएगा बता रहा। अब तुम इतनी कोशिश कर रहे हो तो फिर तो 30,000 दे देते तुमको। अरे 32 है भाई। अरे चाचा वो बेचारा भूखा पतंग उड़ाएगा, कुछ खाना वाना नहीं खाएगा क्या वो? अरे रो मत पगले, खिला ले खाना, खिला ले है? लेकिन लेकिन पतंग सबकी कटनी चाहिए, वो क्या है कि आइटम चाइनीज है, उसकी गारंटी नहीं होती है। अरे चाचा माल चाइनीज है लेकिन अंदर से पूरा देसी है। ठीक है ठीक है, झबरी की पतंग कटेगी कट से और हम उसकी पतंग का राज जान जाएंगे झट से। वो कहा है कि सीधा आदमी कैसा, अरे धनी राम जैसा। बुलाओ बुलाओ टोपा। सोनू मोनू ये रखो, आपस में बांट लेना, एंजॉय करो, हम तैयार होकर आते हैं बे। टोपा बिना, ओ बिना, अरे बिना। अरे बबुआ काहे गला फाड़ फाड़ के चिल्लावत है हा? अरे वो जो उलझी बहुरिया है ना, तुझे देखते ही बिना बुलाए पुदक पुदक के आ जावत है फुर्सत निकाल के। हाँ अम्मा जी ये लीजिए आपका खाना। इलो, आ गई। सुलझी बहुरिया होती ना तो ऐसा हमरे सामने खाना पटक के ना ही जाती, हमरे हाथ में इज्जत से देकर जाती। हाँ आयो दत्ता, अम्मा जी ये रखी खाना, कहे तो हम अपने हाथ से आपको निवाला खिला दें। अरे नहीं नहीं हम खा लेंगे, चलो। हाँ आप काहे बुला रहे थे बताइए। अरे अरे वो हमरे सामने थोड़ी ना बताएगा। अरे नहीं अम्मा, ऐसे कोई प्राइवेट बात थोड़ी ना है। अरे ये देखो बिना, हम तुम्हारे लिए हिंदुस्तान का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मांझा लेकर आए हैं, अरे इससे तुम दुनिया भर की पतंगों को काट डालना। आयो दादा हमको आप पर पूरा विश्वास है, अगर आप हमारे लिए कोई चीज लाए ना तो वर्ल्ड की बेस्ट ही होगी। अगर हमारा कोई होता हमारे लिए भी ऐसे ही मांझा लाता। आयो दादा ए पगली,
अब ऐसा काहे कह रही हो? अरे अभी हम जिंदा है ना तुम्हारी बड़ी बहन, लो तुम इसे रख लो। हाँ जिसको हम देश का सबसे पक्का मांझा बोले वो वर्ल्ड का सबसे कच्चा मांझा है। तो झबरी अभी भी लेके निकली है, इसकी पतंग तो पक्का कटेगी और लोग तिल का लड्डू खाकर हमारा गुड़ गोबर करेंगे, हम बता रहे हैं।